18 न्यूज चैनल अप नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। इटावा लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव के नामांकन के प्रथम दिन आज भाजपा के प्रत्याशी रामशंकर कटहरिया द्वारा अपना नामांकन करने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, घनश्याम वाजपेयी, जिला अध्यक्ष शिव महेश दुबे, प्रस्तावक अशोक दुबे, सदर विधायक सरिता भदौरिया, साथ ही हजारी प्रसाद महेंद्र पांडे द्वारा पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इटावा अकेला सपा का गठन नहीं है, अब यह भाजपा भी गढ़। पत्रकारों द्वारा किए गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टी द्वारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस के अमेठी प्रत्याशी राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान 72,000 देने की बात पर उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेसियों का ढकोसला है, वह कोई भी वादे पूर्ण नहीं कर पाएगी तथा सपा बसपा की गठबंधन सरकार है सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा से पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए। प्राइम 18 न्यूज के लिए इटावा से करण कुमार की रिपोर्ट।